सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा अल्टरनेटिंग करंट में रेजोनेंस के ऊपर होगी। पिछली चर्चा हमने सीरीज LCR सर्किट पे की थी। आज ये चर्चा बहुत ही आवश्यक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ खास है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अचानक से कब करंट हाई हो जाए और उसके लिए कंडीशन क्या हो, या अचानक से कब करंट लो हो जाए उसके लिए कंडीशन क्या हो। तो यहाँ पर बेसिकली हमने बात की है एक हाई की और दूसरे लो की। यहाँ हाई क्या, तो बेसिकली हम हाई करंट को अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और करंट को हाई करेंगे तो इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए इम्पीडेंस जो होगा वो लो हो जाएगा। उल्टा भी इसका हो सकता है कि अगर इम्पीडेंस हाई हो जाए तो वैसे केस में आपका करंट लो हो सकता है। हाँ, ये सिचुएशन जो आएगा वो बेसिकली सीरीज वाले LCR सर्किट में आएगा, और ये सिचुएशन जो आएगा वो बेसिकली पैरेलल वाले LCR सर्किट में आएगा। तो आप बात कर रहे हैं करंट के हाई और इम्पीडेंस के लो होने की, या करंट के लो और इम्पीडेंस के हाई होने की। ये फेनोमेना फिजिक्स में या इस टॉपिक में अल्टरनेटिंग करंट में हम रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसे रेजोनेंस टर्म आपको नया टर्म नहीं है। आपने पिछली बार जब ऑक्सीलेशन टर्म पढ़ा था तो वहाँ भी रेजोनेंस की बात आई थी, और वहाँ आपने एक फ्रीक्वेंसी की बात की थी। अगर ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड ऑल ऑफ सडन मोर देन मैक्सिमम हो जाता है, फेनोमेना को आपने रेजोनेंस बोला था। ऐसा ही रेजोनेंस आपको एक टर्म केमिस्ट्री में भी मिलेगा। केमिस्ट्री में बोला जाता है कि जब एनर्जी लो हो जाए तो स्टेबिलिटी हाई हो जाता है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। मीनिंग यहाँ भी वही है, मीनिंग यहाँ भी बदला नहीं है। तो जो साइंस के टर्म होते हैं हर जगह अपने मीनिंग को सस्टेन कराते हैं, मीनिंग वही रहता है, बस सिचुएशन बदल सकता है, कंटेक्स्ट बदल सकता है, आप उसके कंटेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आज विशेष करके हम लोग चर्चा करेंगे सीरीज LCR सर्किट की और उसमें रेजोनेंस की। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन पे आएंगे रेजोनेंस का। ओके, चलिए एक बात यहाँ डिस्कस कर लें साफ तरीके से, कि हमने करंट का वेरिएशन एसी में देखा था। एसी में जो करंट का वेरिएशन था वो बेसिकली कुछ इस तरह से था। ये आपने वेरिएशन टाइम के साथ शो किया था, इस तरफ टाइम और इस तरफ करंट। ओके, एक और चीज़ अगर हम बात करें LCR सर्किट की, तो LCR सर्किट में I का जो एक्सप्रेशन आया था वो E/Z था, और अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो E/Z को तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं R² + XL - XC का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि XL हो या XC हो, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। XL 2π ν L, XC 1/2π ν C होता है, या इसी को आप ओमेगा L लिखते हैं, और इसको 1/ωc भी लिखते हैं, जहाँ पर ओमेगा 2π ν के बराबर है। तो ये जो करंट है बेसिकली आप देख लो कि अलोंग विथ टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ भी वेरी करेगा। तो अगर हम एक और डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में हम थोड़ा सा रिफाइन हो करके एक एक्सिस में फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रख लेते हैं और दूसरे में करंट रख लेते हैं, तो एक तो हमारे पास ये वाला सिचुएशन आया ही था। ये ओरिजिनल पिक की बात करें, आई नोट की बात करें, तो आई नोट हमारे पास था ही। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा सेट कर दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक पहुँच जाए, तो वैसे केस में ये पिक और ज़्यादा हाई होने की उम्मीद है। यानी अब आपके पास क्या हो सकता है कि जो करंट है वो करंट आपको एक और ज़्यादा बड़ा पिक अटेंड कर चुका है, जिसको आई नोट मैक्स लिख सकते हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया। अब ये जिस फ्रीक्वेंसी पे आया उस फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, NCRT ओमेगा नॉट लिखता है, या और पार्टिकुलर होने के लिए ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है रेजोनेंस का, कंडीशन पहले निकालना है कि
कंडीशन क्या है रेजोनेंस का, चलिए इस पे बात करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि अभी आप आई नोट की बात किए हो, आई नोट एक पिक है और आपको अब बनाना है क्या आई नोट को भी और ज़्यादा, मतलब आई नोट मैक्स। ऑब्वियस है तब आप यहाँ पर ई नोट बाय जेड और साथ ही साथ इसका भी मैक्स लिखोगे, लेकिन आप एक बात और देख लें कि ई नोट जो सप्लाई हमने किया वो तो फिक्स वैल्यू रहा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप ऐसे भी ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिखते आए हैं, तो ई नोट इसका पिक वैल्यू है। जैसे हमारे इंडिया में पिक वैल्यू जो है, सॉरी एवरेज आरएमएस वैल्यू 220 आता है और आपको मालूम है ई नोट बाय रूट टू को आरएमएस बोलते हैं, तो ऐसे केस में ई नोट की बात करें इंटू रूट टू, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 311 वोल्ट के आसपास। ये पिक जो सप्लाई आ रहा है इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करने के लिए हमको सारा इस्टेब्लिशमेंट चेंज करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ई नोट को ऐसे हालात में कांस्टेंट मान लीजिए और तब हम जेड पे आते हैं। अगर आई नोट मैक्स है तो ऑब्वियस है कि जेड को कितना होना होगा, तो मिनिमम होना होगा। ओके, आई नोट मैक्स के लिए जेड, जेड मतलब इम्पीडेंस को मिनिमम होना होगा। यही बात मैं वहाँ पर लैंग्वेज में आपको समझा रहा था कि जब करंट मैक्सिमम हो जाए और इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए तो सिचुएशन रेजोनेंस का कहलाएगा। तो अब कंडीशन निकालने की बात हुई, तो कंडीशन अगर हम निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए आप जेड का तो एक्सप्रेशन लिख ही चुके हैं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का भी रूट लिख सकते हैं। अगर यहाँ से जेड मिनिमम लिखना चाहें तो ऑबियस है कि आर एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर है, वो तो ख़त्म नहीं कर सकते अनलेस आर को हटाए नहीं, जब तक आर रहेगा जो भी उसका वैल्यू वो रह जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक दूसरे का माइनस है, तो कभी ना कभी सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो जाए, मतलब ये टर्म रिमूव हो जाए, वैसे केस में जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर हो जाएगा। यानी ये जो सिचुएशन आपने फाइंड किया, तो फॉर दिस ओके आपको दिख रहा होगा कि एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये कंडीशन है किस चीज़ का, तो दैट इज रेजोनेंस का, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ओके, अब तो बात हो गई, रेजोनेंस हो गया, अभी हम एक्सएल का एक फॉर्मूला आपको दिखाए थे, उससे आगे बढ़ना चाहेंगे। हम अगर एक्सएल को लिखना चाहें यहाँ पर ओमेगा इंटू एल, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वन बाय ओमेगा सी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सएल वन बाय ओमेगा सी होता है। बट ये देखिए ओमेगा है, और ये जो आप बोल रहे थे कि आई नोट मैक्स होना चाहिए, ये आई नोट मैक्स हमेशा नहीं हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी दैट इज ओमेगा आर पे हो रहा है, इसलिए सफिक्स में यहाँ आर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय एल सी। ओके, ऑब्वियस है कि यहाँ से आप चाहें तो ओमेगा आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कभी कभी एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी आपके पास ओमेगा आर मतलब एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गया वन बाय रूट अंडर एल इंटू सी। ओके, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, आगे काम आएगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इस तरफ ओमेगा आर नहीं हो करके न्यू आर हो, न्यू आर मतलब फ्रिक्वेंसी हो, दोनों हो सकता है, लीनियर फ्रिक्वेंसी आप न्यू आर लिखते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर लिखते हैं, तो वैसे केस में आप क्या लिखेंगे। हाँ जी, तो आपको एक चीज़ मालूम है कि 2 पाई इंटू न्यू इज इक्वल टू ओमेगा होता है, तो ऐसे केस में अगर आपने यहाँ न्यू आर लिखा तो यहाँ ओमेगा आर लिखेंगे, तो न्यू आर का वैल्यू ओमेगा आर बाय 2 पाई आ जाएगा, और ओमेगा आर आपको दिख रहा है 1/2 पाई, तो एज इट इज रह गया ये 1/√LC, ये न्यू आर मतलब एक्सप्रेशन फॉर लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, कभी कभी एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलता है, वो एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हैं। होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ओके, अब यहाँ पर बात एक और करनी है जो ज़्यादा विशेष है, ये जो रेजोनेंस है
इसको बेहतर कब बोलेंगे, इसको बेटर कब बोलेंगे, अच्छा कब बोलेंगे। ओके, तो देखिए बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है। ये आई नोट मिला आपको। अभी अगर ये और ऊपर तक जाए तो ये ज़्यादा शार्प या क्लियर है, ये और ज़्यादा ऊपर जाए तो वैसे केस में और ज़्यादा क्लियर है। तो रेजोनेंस को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो रेजोनेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग शार्पनेस बोलते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कितना शार्प, कितना बेटर रेजोनेंस है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और इसी को एक्सप्रेस करते हैं क्यू फैक्टर के टर्म में। ये क्यू फैक्टर क्या है अब थोड़ी देर में हम आपको क्लियर करेंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर क्या है। जो रेजोनेंस जितना ज़्यादा शार्प होगा उसकी क्वालिटी फैक्टर उतनी अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये Q1 है क्वालिटी फैक्टर, ये अगर Q2 है तो ओबियस है कि यहाँ पर Q2 जो है वो ग्रेटर है देन Q1, और इस सर्किट को बेटर माना जाएगा। ये क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कैसे होगा, तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए एक टर्म होगा आपके पास जिसको मैं बताता हूँ। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेशियो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अभी नोटेशन हम लिख लेते हैं, बाद में आपको समझाते हैं है क्या। अगर हम चाहें तो बैंडविड्थ को 2 delta into nu लिख सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाए अगर न्यू के टर्म में है तो ऐसा, और अगर ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये तो अपने हाथ की बात है, तो यहाँ 2 into 2π delta nu। ओबियस है कि ऊपर आपके पास ओमेगा r और नीचे जो आया वो 2 और ये डेल्टा ओमेगा, यानी आपके पास क्यू का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, ये क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। अब चलिए इस क्वालिटी फैक्टर के एक्सप्रेशन को समझ लिया जाए। ओके, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, तो आप यहाँ पर जो पिक दिखा रहे थे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली आई नोट था और ऊपर वाला पिक आई नोट मैक्स है। यहाँ का पावर अगर हम पी लें, ओके, तो NCERT बोलता है यहाँ का पावर आप P/2 लीजिएगा। ओके, ऐसा कुछ आपको एडजस्ट करना है, मतलब रेजोनेंस करके जो हम पिक अचीव कर रहे हैं वो जो ओरिजिनल पिक है उसका ट्वाइस एज्यूम किया हुआ है। इसके पीछे भी कारण है, अगर हम ज़्यादा जूम कर देंगे तो डिसिपेशन और डिस्टोर्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, जो कि हमारा रेजोनेंट करने के केस में भी क्लियरिटी और हैम्पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, जैसा NCERT बोलता है, अगर हम इसको Pmax बोल दें तो Pmax अगर बोलिएगा तो ओबियस है कि ये आई नोट मैक्स जो है का होल स्क्वायर इंटू आर होगा। और यहाँ पर हमको Pmax बाय 2 करना है, मतलब आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आई नोट मैक्स का स्क्वायर इंटू आर बाय 2। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको एडजस्ट थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आई नोट मैक्स जो है बाय रूट 2 कर लीजिए का होल स्क्वायर। एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, एक्सप्रेशन वही रहेगा। ओके, ये हो गया। अब आप ध्यान दें कि आपको जो आई नोट मैक्स बाय रूट 2 आ रहा है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन में ये आई नोट मैक्स बाय रूट 2 आ रहा है। एक तो आपको यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मतलब ओमेगा 1, और एक आपको यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मतलब ओमेगा 2, दो फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, ये अगर हम ओमेगा के टर्म में लिखते हैं तो ये आपका बीच वाला ओमेगा आर था और ये आपको ओमेगा था। यहाँ से यहाँ तक का गैप जितना है वो डेल्टा ओमेगा, और इधर जो है वो भी आपको डेल्टा ओमेगा, दोनों तरफ का जो गैप है वो डेल्टा ओमेगा मान लिया। तो हम अब अगर लिखना चाहें क्या, तो यहाँ पर ओमेगा 1 लिखना चाहें तो ओमेगा 1 आपको दिख रहा होगा ओमेगा आर से उतना ही लेस है,
ओमेगा वन जो है वो ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा लेस है, ओके, और ओमेगा टू जो है वो ओमेगा आर से डेल्टा ओमेगा ज़्यादा है। इसको आप बोलना चाहें तो लोअर साइड बैंड बोल सकते हैं और इसको अपर साइड बैंड बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एंगुलर बैंडविड्थ है ना, दो बैंडविड्थ होते हैं, एक एंगुलर और एक लीनियर, तो अगर हम एंगुलर बैंडविड्थ निकालना चाहें तो एंगुलर बैंडविड्थ इज इक्वल टू आपको अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। अब इसी की बात कर रहे थे हम लोग, टू डेल्टा ओमेगा और ये ओमेगा आर, दोनों का जो आपने रेशियो निकाला यही आपको क्या मिल गया, तो क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस का, शार्पनेस रेजोनेंस का क्वालिटी बताएगा। अगर बेटर क्वालिटी है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, कम रेजोनेंट है, पुअर क्वालिटी का है तो इसकी वैल्यू कम आए, आपको अचीव हो रहा है वो पिक के इंटेंसिटी में भी आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो वैसे केस में आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली आपको रेजोनेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो डेफिनेशन के टर्म में बात हो गई क्वालिटी फैक्टर की। डेफिनेशन के अलावा हम अगर यहाँ पर LCR सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जो भी रेजोनेंस हमको मिल रहा है वो L, C और R के टर्म में मिले, और इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन को आगे कैरी करना पड़ेगा, और आगे कैरी करने के लिए हम वापस वहीं पे आ जाते हैं, और वापस वहीं पे आकर के सबसे पहले आपसे ये बात कर लेते हैं कि हमने आपको यहाँ दिखाया था कि I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय जेड, और जेड को हमने यहाँ लिखा था अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस XC या XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके, इसको लिखेंगे। और इसके बाद से हमने I नॉट मैक्स जो आपके सामने लिख करके दिखाया, क्योंकि उस केस में तो ये जीरो हो गया था तो ये E नॉट बाय R आया था, ओके, इसका ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा डायग्राम के ओर ध्यान दें, जहाँ पर I नॉट है उसी के क्रॉसपोंडिंग में देखिए आपको मिला है I नॉट मैक्स बाय रूट टू। तो फ्रॉम डायग्राम से आप इसकी बात करें, डायग्राम से क्या बात करेंगे कि आपको जो I नॉट मिला है वो इज इक्वल टू I नॉट मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू। चलिए I नॉट हटा करके उसका वैल्यू पुट कीजिए, I नॉट अगर आपने लिख लिया तो E नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके, तो E नॉट डिवाइडेड बाय ये R जो है R लिख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ रूट टू है रूट टू लिख लीजिए, ओके। इस एक्सप्रेशन में E नॉट को हटा करके देखिए तो आपके पास जो आएगा वो आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू और R आएगा यहाँ से, ओके, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने के बाद से आपके पास आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, ओके, इस आर स्क्वायर को इधर लेकर के चलिए तो आपके पास XL माइनस XC होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, तो आर स्क्वायर, ओके, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए तो आपको XL माइनस XC इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी R। यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक नोट करके रख लेंगे, यहाँ तक ही विशेष है, बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा समझने वाला है, ओके। और यहाँ देखिए I नॉट के क्रोस्पॉन्डिंग में हमने I नॉट मैक्स बाय टू मतलब I नॉट बाय रूट टू ये लिया था, क्योंकि NCERT या अदर बुक ये बोलते हैं कि जो पावर मैक्सिमम था I नॉट उसके आधे पावर पे आकर के ओवरलैप करना चाहिए, ओके। तो ठीक है, यहाँ से तो ये बात क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ने की बात है तो इससे आगे भी हम लोग देख लिया जाए, इससे आगे भी बढ़ चला जाए, हाँ, ओके। तो आपको लास्ट में जो मिला है उस एक्सप्रेशन को ऊपर लेकर के फिर वापस आते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर मिला क्या XL माइनस XC इज इक्वल टू R, ओके। वेल, XL को आप ओमेगा इंटू L लिख सकते हैं और XC को ओमेगा 1 बाय ओमेगा C भी लिख सकते हैं,
जैसा कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था। बट एक बात और याद रखें, ये जो Pmax by 2 आपको ऑप्टेन हुआ, हर एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिल रहा है, या तो ओमेगा 1 पे मिल रहा है और नहीं तो ओमेगा 2 पे मिल रहा है। इसीलिए ये या तो आप ओमेगा 1 कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको ओमेगा 2 कर लीजिए, तभी जा करके ये जस्टिफाइड होगा। ओके, तो अगर आप ओमेगा 2 लिखना चाहते हैं तो ओमेगा 2 लिखिए, ओमेगा 1 लिखना चाहते हैं तो ओमेगा 1 लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा 2 का जो वैल्यू था, ओमेगा आर प्लस आपको डेल्टा ओमेगा इंटू एल कर लेंगे, और ओमेगा 2 यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। ओके, इस स्टेप में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओमेगा 2 का हमने वैल्यू पुट किया है जैसा पिछली बार हमारे पास था। अब देखिए, हम यहाँ से ओमेगा आर को कॉमन लेंगे, आप भी ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर इंटू एल, क्लियर है। माइनस यहाँ पर भी हम 1 बाय ओमेगा आर को कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर और इंटू सी इज इक्वल टू आर मिलेगा। इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे। हाँ, इसके बाद वाला स्टेप और भी बढ़िया है, वो ध्यान देंगे। हम यहाँ पर ओमेगा आर इंटू एल, एल को पहले लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस यहाँ पर डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर लिखते हैं माइनस। इस स्टेप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष ध्यान मतलब ऊपर में मैंने ओमेगा आर लिखा और नीचे मैं ओमेगा आर का स्क्वायर लिख रहा हूँ। हाँ, आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्या है, तो ऐसा एक विशेष स्टेप है, उसके पीछे एक रीजन है। ओमेगा आर का स्क्वायर का हमको वैल्यू मालूम है, ओके, क्या होता है वो पिछले केस में मैंने दिखाया था आपको, तो आप उस वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो इस स्टेप में मैंने ओमेगा आर को ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए नीचे वाला आपका ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं, इसके बाद वाले स्टेप में चलते हैं। इसके बाद वाले स्टेप में आप देखना ध्यान से, इस स्टेप को ऊपर कैरी कर रहे हैं, ओमेगा आर एज इट इज हमारे पास है इंटू एल, और ये 1 प्लस है ना डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर ऊपर वाले को रहने देते हैं, और इस ओमेगा आर को 1 बाय एल इंटू सी लिख लेते हैं, और ये जो है वो तो एज इट इज कॉपी कर लिया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर और इंटू सी इज इक्वल टू आर। एक कैंसिलेशन आपको दिख रहा है, सी और सी को कैंसिल कर लीजिए, तो वैसे केस में आपके पास ये एल जो है ऊपर जाएगा। अब हम चलिए एक स्टेप आपके लिए लिख ही लेते हैं, आप चाहें तो ये स्टेप से स्किप कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स स्किप किए जा सकते हैं, वो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ कर लेंगे। तो ओमेगा आर इंटू एल, अच्छा इसको भी हम ऊपर कैरी करते हैं, ऊपर कैरी करेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर होल टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू आर। अब कॉमन लेने की बात है, अब नीचे देखिए वहाँ भी ओमेगा आर इंटू एल और यहाँ भी ओमेगा आर इंटू एल, तो कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पर आपने ओमेगा आर इंटू एल और ये हो गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर माइनस यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर होल का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू आर। वेल, बहुत बढ़िया यहाँ तक। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बहुत लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर x स्मॉल हो तो इसको नेग्लिजिबल मान करके स्क्वायर टर्म कुछ हटा दिया जाता है, तो अगर x स्मॉल हो तब, वैसे केस में आप यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर होल टू द पावर माइनस 1 कंपेयर कर लीजिए, 1 की जगह 1 है, x के जगह पर डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर है, n की जगह पर माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस माइनस 1 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर। ओके, इसको ला करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा आर इंटू एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा
बाय ओमेगा आर माइनस वन माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर और इज इक्वल टू आपके पास आर हो गया। फॉर ए मोमेंट आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ओमेगा आर इंटू एल यहाँ पर वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर माइनस वन प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर इज इक्वल टू आर, वन प्लस वन माइनस को काट दीजिए। अब चलिए यहाँ से फिर हम एक्सप्रेशन को ऊपर लेकर के चलते हैं, स्टेप वाइज पॉज करके आप नोट करते चलिएगा। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन 12 के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो अब रिजल्ट बचा ओमेगा आर इन ट्वेल्व वन प्लस वन टू टू डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर इज इक्वल टू आर, आसान हो गया। अब अगर हम इसको 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आर रहने दें तो यहाँ पर आर बाय आप लिख सकते हैं कितना ओमेगा आर इंटू एल। ओके वेल, बहुत बड़े यहाँ जगह तक हम लोग पहुँच चुके हैं एक्सप्रेशन के। थोड़ा सा इसको उलट दीजिए, है ना, रिवर्स कर दीजिए, तो आप तो ऐसा लिख ही सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं कुछ लोगों को तो पता भी चल गया होगा, जिनको पता चल गया है वो आप लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको क्या लिखा जा सकता है आप बताएं, आप बता सकते हैं कि यही हमारा डेफिनेशन था कैपिटल क्यू का, मतलब क्वालिटी फैक्टर का। ओके, अब यहाँ पर एक और बात, चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एक्सेल, एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी कहाँ पर, एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर, मतलब ओमेगा आर पर बाय आर। और अभी दिखाए थे कि सिचुएशन में जब रेजोनेंस का सिचुएशन आता है तो एक्सेल और एक्सी इक्वल हो जाता है, ऐसे केस में आप यहाँ पर एक्सी बाय आर भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, उस रेजोनेंट सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन में ऐसा आ सकता है, कभी कभी ये भी काम आएगा। बट आगे आप जब चलें तो आप ऐसा लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा आर को तो वन बाय है ना रूट एल सी आप लिख सकते हैं, और ये हो गया एल आर। थोड़ा अरेंज करने की बात अब कर लें, इसी एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे तो देखिए क्यू इज इक्वल टू आर को हम ऐसे लिख लेते हैं और एक कॉमन रूट के अंदर, अच्छा एल को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एल स्क्वायर होगा बाय एल सी, और यहाँ कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट आया वही आपका फाइनल एक्सप्रेशन कहलाया, यानी वन बाय आर अंडर रूट कितना एल सी। वेल, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर है, क्यू फैक्टर है। यहाँ पर दिख रहा है कि आर जितना कम होगा, है ना, आर से क्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर जितना कम होगा क्यू उतना ज़्यादा होगा, क्यू उतना बेटर होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, सोच सकते हैं आप कि अगर आर को हम जीरो करते हैं तब क्या होगा, तो क्यू इनफाइनाइट हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, मतलब वैसे केस में जो पिक मिला वो पिक इनफाइनाइट चला जाएगा, और ऐसा कोई सर्किट हमारे पास शायद अवेलेबल ना हो पाए जिसका टोटल रेजिस्टेंस जीरो हो। ऑल्दो हम इंडक्टर और कैपेसिटर को प्योर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानना हर समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरी बात, अगर हम एल और सी को हटा दें, ओके एल और सी को रिमूव कर दें, तो बिना एल और सी के आपको रेजोनेंस नहीं मिलेगा, यानी रेजोनेंट सर्किट में एल और सी को रहना जरूरी है, वो सीरीज में रहे, पैरेलल में रहे, जिस तरह से भी रहे, रहेगा तभी रेजोनेंस मिलेगा। इसमें तीनों का ही रोल है और ये एक्सप्रेशन आपको रोल के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।